हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किचनोपीडिया कुक विद चारू। आज मैं बना रही हूँ सेब टमाटर की सब्जी। सेब टमाटर की सब्जी के लिए क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। से नमकीन सेब, हमें मोटे वाले नमकीन सेब चाहिए, बारीक वाले नहीं। और ये हैं एक प्याज, ये दो टमाटर, और ये टमाटर लहसुन और अदरक मिर्ची का पेस्ट है। इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा लगेंगे क्योंकि ये सेब टमाटर की सब्जी होती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने 2-3 चम्मच तेल लिया है, ये गरम हो गया है। अब इसमें जीरा, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जैसे ही जीरा चटकता है ये प्याज भूनने के लिए, इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ये जीरा चटक चुका है, अब इसमें प्याज फ्राई करना है। ये प्याज बस फ्राई होने वाली है, तब तक हम अपने पेस्ट में मसाले डाल लेते हैं थोड़ा सा। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि नमकीन में मिर्च बहुत होती है, वो लौंग सेव है इसलिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। अभी प्याज फ्राई हो गई है तो इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालकर फ्राई करेंगे। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ये पेस्ट भुन चुका है या नहीं। ये अब टमाटर का पेस्ट फ्राई हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये छोटे छोटे बारीक कटे हुए टमाटर इसमें डालना है, तो थोड़ा सा फ्राई करना है। जब ये टमाटर गल जाएगा उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। देखिए ये टमाटर गल चुके हैं, अब बस इसमें हमें 1 कटोरी पानी डालना है। अभी मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। आपको ग्रेवी जैसी चाहिए, गाढ़ी पतली, उतना ही पानी डालें। अब इसको उबलने देना है, थोड़ी देर में ये बॉईल हो जाएगा अच्छे से, थोड़ी देर में ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा गाढ़ी है तो इसमें हम पानी डाल सकते हैं। और अभी ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, हमें जितने लोगों के हिसाब से सब्जी बनानी है उस हिसाब से ग्रेवी तैयार करनी पड़ेगी। नमकीन की सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी थोड़ी पतली ही चाहिए क्योंकि जब हम इसमें नमकीन डालेंगे, सेब डालेंगे, तो वो सेब पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और वो गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पतला होना चाहिए। बस ये ग्रेवी रेडी है, लेकिन अभी इसमें हमें ये नमकीन नहीं डालना है क्योंकि नमकीन सेब की सब्जी खाते टाइम ही उसमें नमकीन डाला जाता है। अगर हम अभी इसमें नमकीन डालकर इसको रख देंगे तो वो नमकीन बिल्कुल गिलगिला सा हो जाएगा, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब ये सब्जी हमको खाना होगी तब हम इसको प्लेट में ग्रेवी सर्व करेंगे और ऊपर से उसमें नमकीन सेब डालकर उसको खाएंगे। अब सेब टमाटर की सब्जी को हम सर्व करेंगे, तो इसको खाते टाइम ही सर्व करना है। ग्रेवी प्लेट में निकाल कर फिर ऊपर से नमकीन सेब डालेंगे। और हरे धनिए से गार्निश करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और उसको से गार्निश करेंगे।
अब सेब टमाटर की सब्जी रेडी है। तो आपको सेब टमाटर की सब्जी कैसी लगी कृपया ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।